आज जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं हम, तो उसके लिए हमने ले लिया है कुछ पिसे हुए मसाले, और लहसुन ले लिया है, एक टमाटर काट के ले लिया है, अदरक ले लिया है एक पिंच, 10-12 खड़े मिर्चे ले लिए हैं, एक प्याज काट के रख ली है, और थोड़ा सा गरम मसाला। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्सर में धोकर पीस लेंगे, इसका एक पेस्ट बना लेंगे, और पिसे हुए मसाले भी उसमें डाल देंगे। सबको अच्छी तरह से ग्राइंड करके पीस लेंगे। अब हम एक साफ़ कढ़ाई ले लेंगे, उसमें 1.5 चम्मच तेल डाल देंगे। उसमें 2 तेज़पत्ता तोड़ कर डाल देंगे। फिर जो प्याज हमने काटी थी उस प्याज को डाल के उसे लाल करेंगे, और फिर जो हमने धो के कीमा रखा था उस कीमे को उसके अंदर जब तक उसमें पानी ना ख़त्म हो जाए तब तक उसे भूंज लेंगे। फिर सारे मसाले डालकर जो हमने मसाला पेस्ट तैयार किया था उसको हम डाल के पहले थोड़ी देर भूंजेंगे। उसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा लाल कश्मीरी मिर्च डालेंगे ताकि उससे कलर अच्छा आ जाए। उसको पकने के लिए ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे भी जा सकते हैं। भूनते हुए धीरे धीरे इसे हम पका लेंगे। जब कढ़ाई में तेल और कीमा अलग होने लगे तो समझ जाओ कि हमारा कीमा भून चुका है और अच्छा पक चुका है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, दोस्तों में शेयर करें। अब हमारा कीमा एकदम अच्छी तरह से पक चुका है, तेल भी पूरा निकलने लगा है, दिख रहा है। कीमा है तैयार, खाएं, एंजॉय करें। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हरी धनिया से गार्निश करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।